हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी का मतलब होता है कि सेटिस्फेक्शन। जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं, ठीक है, तो खाने के बाद हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो एकदम संतुष्टि मिलती है, वो हमारी यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो यूटिलिटी इज़ द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वॉन्ट। यानी कि यूटिलिटी वो पावर होती है कमोडिटी की, जो कि किसी इंसान को क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। इट इज़ अ सब्जेक्टिव फ्रॉम डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी पर्सन टू पर्सन एकदम ये डिफ़र करती है, अलग होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूटिलिटी का यूज़फुलनेस से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जो यूज़फुल नहीं होती हैं, लेकिन तो भी हमारा मन रहता है उनको लेने का। ठीक है, जैसे कई बार कई शो पीसेज होते हैं, वो किसी यूज़ के नहीं रहते, वो सिर्फ घर में रखे रहने हैं। ठीक है, लेकिन तो भी हम लेते हैं ना। हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है, उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसलिए हम लेते हैं। फिर एथिकली न्यूट्रल, यानी कि यूटिलिटी का एथिक्स से कोई मतलब नहीं होता है। द यूटिलिटी हैज़ नथिंग टू डू विथ एथिक्स। यानी कि हम देखिए, जैसे लिकर है, सिगरेट है, ठीक है, ये हमें मालूम होता है कि हमें नुकसान पहुंचाती है, लेकिन हमें अगर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हमें संतुष्टि आनंद अगर इससे मिल रहा है, तो बिल्कुल हम इनका उपभोग करेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो किसी का मर्डर करना है, ठीक है, लेकिन ये एथिक्स में तो नहीं है ना, ये एथिकल चीज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी को मारने से ही अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो यूटिलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो एथिक्स से यूटिलिटी का लेना देना नहीं रहता है। नॉट मेजरेबल, यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होती, ये सिर्फ फील की जा सकती है, ये एक्सपीरियंस की जा सकती है। ठीक है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब कि ये टाइम टू टाइम रिलेट करता है और पर्सन टू पर्सन रिलेट करता है। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला हमें बारिश में, भाई बारिश में बारिश से बचाएगा ना, बाकी हम ठंडी में तो अम्ब्रेला लेके घूमेंगे नहीं। तो ये टाइम टू टाइम क्या करता है, रिलेट करता है और डिफ़र करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, नॉट मेजरेबल है और एथिकली न्यूट्रल है, और यूजफुलनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर यूटिलिटी के दो अप्रोचेज हैं, पहला है कार्डिनल एंड सेकेंड वन इज़ ऑर्डिनल। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड और क्वांटिफाइड इन न्यूमेरिकली टर्म्स। यानी कि कार्डिनल में ये कहा गया कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। और इसमें ये भी कहा गया कि इंसान का जो सेटिस्फैक्शन है, उसको हम मॉनिटरी टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट इंडिकेट द कस्टमर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि जो भी कमोडिटी का जो प्राइस है, वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बताता है। ठीक है, इसकी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में इसकी थ्योरी क्या दी गई है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसके द्वारा दी गई है? अल्फर्ड मार्शल के द्वारा दी गई है। कार्डिनल अप्रोच में क्या बोला गया है कि यूटिलिटी मेजरेबल है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं, ये एक क्वांटिटी क्वांटिफाइड चीज़ है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन नंबर्स। यानी कि इसमें ये बोला कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में नहीं मेज़र कर सकते हैं। ह्यूमन सेटिस्फैक्शन इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना एंड कैन नॉट बी मेज़र क्वांटिटेटिवली इन मॉनिटरी टर्म्स। यानी कि ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। ठीक है, इसे हम मतलब मॉनिटरी टर्म्स में या नंबर्स में हम इन्हें नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, इसकी थ्योरी दी गई है। इसमें कौन सी थ्योरी हमें देखने को मिलेगी? इनडिफरेंस कर्व अप्रोच हमें देखने को मिलेगा। और ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑर्डिनल अप्रोच, हिक्स एंड एलन के द्वारा। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, कार्डिनल अप्रोच अल्फर्ड मार्शल के द्वारा दिया गया था और ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स एंड एलन के द्वारा दिया गया था। फिर देखते हैं कार्डिनल अप्रोच में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बताई गई है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से बताती हूँ, अगर मैं 10 एप्पल्स खाती हूँ, ठीक है, अगर मैं 10 एप्पल्स खाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उन 10 एप्पल्स का जो टोटल होगा, दैट इज़ कॉल्ड अवर टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इट रेफर्स टू द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी।
इट इज़ द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ कम्युनिटी, यानी कि मैंने जितने एप्पल्स खाए बैक टू बैक, वन टू वन से लेके 10 तक, तो जो टोटल सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहलाती है? मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ गिवन कमोडिटी। इट इज़ द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द लॉस्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी परचेस्ड, यानी कि जैसे मान लो मैंने वो 10 एप्पल्स खा लिए, ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक और खा लूँ, तो जो मैं एक और ऐड करूँगी, एक और एडिशनल जो यूटिलिटी मुझे मिलेगी दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल और टोटल समझ में आगे होगा। फिर देखते हैं एजम्पशंस क्या क्या दिए गए हैं। एजम्पशन दिए गए हैं कार्डिनल अप्रोच में कि कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि इसे हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटी, इसमें ये बोला गया कि यूटिलिटीज और सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम डिफरेंट कमोडिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर एंड डज नॉट अफेक्ट वन अनदर, यानी कि अलग अलग कमोडिटी है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हमें अलग अलग सेटिस्फैक्शन देंगी, अलग अलग चीज़ें हमें सेम सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती हैं, वो एक दूसरे से अलग होती हैं इसलिए अलग सेटिस्फैक्शन देंगी, ठीक है। फिर क्या होता है, कंपेरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी अक्रॉस गुड्स, यानी कि द सेटिस्फैक्शन डिराइव बाय अ पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी कैन बी कंपेयर्ड, यानी कि जो कम्युनिटी है, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी अगर हमने कंज्यूम की है तो हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि इससे हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, इससे हमें कम सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। और क्या बोला गया है कि कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें देखिए कॉन्स्टेंट क्या कहलाता है, मनी इज़ द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, इसमें बोला गया कि मनी को मेजरिंग टूल माना गया। इट इज़ अज्यूम दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इट सेल्फ रिमेन कॉन्स्टेंट, इस पूरे अप्रोच में मनी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या क्या बताया गया कि मेजरेबल है, अलग अलग सेटिस्फैक्शन हमें अलग अलग मिलेगा, कंपेयर कर सकते हैं, और मॉनिटरी टर्म्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी कैसी होती है, उसके अप्रोचेस क्या क्या हैं, और उसके अप्रोचेस देखे हमने कि इस अप्रोच में कौन सी थ्योरी दी गई है, ठीक है। कार्डिनल में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल थ्योरी दी गई, किसके द्वारा दी गई, अल्फर्ड मार्शल के द्वारा दी गई, और ऑर्डिनल में इंडिफरेंस कर्व अप्रोच थ्योरी दी गई, किसके द्वारा दी गई, हिक्स एंड एलन के द्वारा दी गई, ये पूरा अप्रोच ही दिया गया है इनके द्वारा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी देखी, और फिर हमने फाइनली अज्यूम्पशंस देखे, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।